सो नमस्ते मेरे भाई और बहनों, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं आपका अपना केजी ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह भाबा कुंडलेश्वर टेम्पल, जो कि चिल्का लेक के किनारे पे पड़ता है, एक महादेव मंदिर है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम लोग निकलेंगे आधे एक घंटे में। सो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। नमस्ते मेरे भाई और बहनों, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं आपका अपना केजी ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी फिलहाल तो हम रास्ते में हैं और अभी जस्ट हमने इस बंदे को उठाया और हमें लगेंगे, हमें जो भी हो 1.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। और पहुँचते ही वहाँ पे जो व्यू है वो अलग लेवल का ही व्यू आता है, क्योंकि वहाँ से पूरा चिल्का लेक का पूरा व्यू वहाँ से आता है। सो चलिए आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ से बस 25 किलोमीटर है और रास्ता इतना ज्यादा ट्रैफिक वाला भी नहीं है और रास्ता भी ठीक ठाक है, स्मूथ है, गड्ढे वगैरह भी नहीं है। सो मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये जो आगे जो लड़की जा रही है ये इसके गांव की है। तो ये अभी वीडियो बना रहा है, इसके घर वालों को दिखाएगा क्या दुनिया आ गया है इतना आगे। भाई देखो, ये ड्राइवर को खाली दे रहा है कि वो लड़की भाई ये पीछे से ड्राइवर को भड़का रहा है और ड्राइवर पूरा रफ ड्राइविंग कर रहा है। भाई ये इसके बाप को फोन कर रहा है, लड़की के बाप को फोन कर रहा है, उसका बाप इसका कुछ लगेगा, मतलब कुछ रिलेटिव वगैरह लगेगा, ये फोन कर रहा है उसके बाप को बताएगा और वीडियो भी भेजेगा। भौणी कौन सात बड़े किए टोका मान सा बुलूची, मुझे देखुची जाऊ सा बाबा कुंडल सर देखुची बुलूची टोका मान सा भाई। इसने उस लड़की के किसी गांव वाले को फोन करके उसके बारे में बताया कि वो दो लड़की लड़कों के साथ जा रही है और चिल्का की ओर जा रही है, ऐसे वैसे करके बता दिया है। A few inches later. So guys, अभी हम एंटर कर रहे हैं चिल्का के रास्ते में और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं मेरी जान की बाजी लगा के सनरूफ से बाहर निकला हूँ क्योंकि ड्राइवर थोड़ा रफ चला रहा है और ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं भाबा कुंडलेश्वर टेम्पल, महादेव मंदिर हमारे पीछे ही है। सो अभी चलते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं। हमारा दर्शन तो हो गया है और अभी चलते हैं चिल्का के किनारे, जो कि पूरा हमारे सामने ही है, और आपको व्यू दिखाते हैं। शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए।
गाइस देखिए एक बारी पीछे, मतलब अगर धूप ना होता ना तो व्यू में एक सुकून आ जाता। इधर बैठ के खिलखिलाती हवा को फील करते, सामने जो बोट चल रही है उसका जो मोटर का साउंड उसको सुनते, नेचर का पूरा फील आ जाता। और यहाँ पे बहुत सारा सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं और मस्त लग रहा है। ये देखिए बहुत मुश्किल से नीचे आया। गाइस देखिए इनका पूरा फोटो शूट चल रहा है ऊपर। गाइस ये जो व्यू आ रहा है इसको देखिए, बहुत सारे पेंटिंग्स में ऐसा ही सेम व्यू आर्टिस्ट लोग ड्रॉ करते हैं और ये हम लोग आंखों से देख रहे हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं क्लियरली कितने ज़्यादा बोट्स है, ये सब फिशिंग बोट्स है, ये बोटिंग वाले बोट नहीं है, बोटिंग वाला सेंटर उधर है। और ये जो रास्ता है ये मंदिर के सामने आता है, सीक्रेट स्पॉट है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, गूगल मैप पे आप देख सकते हैं। इधर लोग ना ही आते हैं, मतलब ज़ीरो, इधर कोई नहीं है, हम लोग ही है बस, और लोकल्स है, मच्छी वाले जो पकड़ते हैं वगैरह वही सब लोग है, नहीं तो इधर कोई नहीं आता। आराम से आओ, रोड के ऊपर कार लगाओ, बाइक लगाओ और फोटो खींचो। Guys, फिलहाल तो आ गया हूँ मैं घर और होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही दिल देते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटा जरूर ठोकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।